नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टेक पर। दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यार यूनिफॉर्म अगर आप पहन के नहीं गए ना, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के या फिर दोस्तों 10th क्लास के, ये कोई मायने नहीं रखता है, मगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो बस केवल, ठीक है। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते हो ना, तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको ही पता यार कि आज 16 फरवरी और आज से ही आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें देखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं देखनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहोगे इन फ्यूचर में ऐसी वीडियो और देखना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल कलर वाली बटन आपको दिखाई दे रही होगी, उसको दबा देना है। और जैसे आप उस वाली बटन को दबाओगे तो साइड में एक बर्न बेल आइकन आ जाएगा, आपको उस बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो फटाफट दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हेडिंग है हिंदुस्तान के दोस्तों पेपर में वाली न्यूज़ अभी छपी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। CBSE का निर्देश, यूनिफॉर्म में नहीं आए तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। थोड़ा नीचे देखते हैं, 13 फरवरी की खबर है, 10:38 की, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं और 12वीं के परीक्षा बोर्ड में जो बोर्ड है ना, उसने दोस्तों क्लियर यहाँ पे कह दिया है कि यूनिफॉर्म और आई कार्ड के साथ परीक्षा केंद्रों में आना होगा। अगर आप आई कार्ड लेके नहीं गए या फिर दोस्तों आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए ना, तो आपको यहाँ पे परीक्षा में बिल्कुल नहीं बैठने दिया जाएगा। केंद्रों पर इसकी पूरी जाँच होगी और छात्र अगर यूनिफॉर्म में नहीं पाया गया या फिर दोस्तों आई कार्ड उसके पास नहीं पाया गया, तो वो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा और परीक्षा में बिल्कुल बैठने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर इस बार छात्रों के नाम और रोल नंबर का आई कार्ड के LOC लिस्ट यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को मिलाया जाएगा। इसका मकसद उन छात्रों तक पहुंचना है जो फ्लाइंग कैंडिडेट्स के तौर पर परीक्षा फॉर्म भरते हैं, ऐसे छात्र का आई कार्ड भी देखा जाएगा। CBSE 12वीं की परीक्षा 16 फरवरी से हो रही है, यानी कि आज से हो रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। परीक्षा के पहले बोर्ड ने परीक्षा संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। आप दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान की वेबसाइट पे आके यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ दोस्तों, जैसी रिजल्ट वेल्ट आएंगे, जैसी इससे रिलेटेड जो न्यूज़ होगी ना, मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे इंटरेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।